जय हिंद। पार्लियामेंट्री कमेटीज़ के बारे में हम बात कर रहे थे और आज अपना आखिरी सेशन है पार्लियामेंट्री कमेटीज़ को लेके। क्या पढ़ना है आज अपने को? एक तो कमेटीज़ टू स्क्रूटनाइज एंड कंट्रोल, इसमें 6 कमेटीज़ के बारे में अपने को बात करनी है। दूसरा, कमेटीज़ रिलेटिंग टू डे टू डे बिजनेस ऑफ द हाउस, इसमें 4 कमेटीज़ के बारे में अपने को पढ़ना है। तीसरा, हाउस कीपिंग कमेटीज़, इसमें भी 4 कमेटीज़ हैं जिनके बारे में अपने को बात करनी है। और इसके अलावा कंसल्टेटिव कमेटीज़, और ये अपन पहले ही बात कर चुके हैं कि ये पार्लियामेंट्री कमेटीज़ नहीं होती हैं, लेकिन हाँ इनसे रिलेटेड क्या प्रोविजंस हैं, क्या होती हैं कंसल्टेटिव कमेटीज़, उस पर भी अपन बात करेंगे। एक बात ये भी है कि ये जो सारी कमेटीज़ हैं जिनके बारे में आज अपन पढ़ने वाले हैं, इनका एक एक का क्या कंपोजिशन है, क्या टेन्योर है, क्या फंक्शन है, उस पर क्रैम करने की, रटने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि फंक्शंस तो इनके बेहद ईजी हैं, नाम से ही क्लियर हो जाएंगे, लेकिन एक एक का कंपोजिशन कि किसमें 15 मेंबर हैं, किसमें 10 मेंबर हैं, उसको रटने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस नहीं है। बट हाँ, पार्लियामेंट्री कमेटीज़ की जब हम बात करते हैं तो एक चीज़ तो फंक्शंस आपको पता होने चाहिए कि ब्रॉड वे में पार्लियामेंट्री कमेटीज़ क्या काम कर रही हैं। फिर कुछ इंपॉर्टेंट कमेटीज़ हैं, जैसे फाइनेंशियल कमेटीज़, अपन ने 3 पढ़ी हुई हैं, एक होती है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, एक होती है एस्टिमेट्स कमेटी, एक होती है कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। उनका कंपोजिशन, उनका टेन्योर, उनसे रिलेटेड क्या प्रोविजंस हैं, और बेहद इंपॉर्टेंट उनके क्या फंक्शंस हैं, वो आपको पता होने चाहिए। डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज पर अपन ने बात की हुई है, इसका भी एक ब्रॉड आउटलाइन कि क्या कंपोजिशन है, क्या टेन्योर है, क्या फंक्शंस है, वो आपको पता होना चाहिए। फिर कुछ कमेटीज़ ऐसी हैं जो कि न्यूज़ में रहती हैं, जैसे फिलहाल एथिक्स कमेटी बहुत न्यूज़ में है, तो इस कमेटी से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बिकॉज न्यूज़ में है तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि इसके इर्द गिर्द कुछ पूछा जाए। इसके अलावा एक कमेटी ठीक ठाक न्यूज़ में है, प्रिविलेजेस कमेटी, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। बट हाँ, ये जो आज अपन पढ़ने वाले हैं कमेटीज़ के बारे में, इनके कंपोजिशन वगैरह का बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना, फंक्शन आपको नाम से याद हो जाएंगे, 2-4 बार रिवाइज करोगे तो ढंग से दिमाग में बैठ जाएगा। हालांकि अगर आपकी मेमोरी बहुत अच्छी है और एक एक का कंपोजिशन अगर आपको याद हो जाए तो उससे बेटर तो कुछ है ही नहीं, अदरवाइज थोड़ा ईजी लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखो, सबसे पहले आज अपन बात कर रहे हैं कमेटीज़ टू स्क्रूटनाइज एंड कंट्रोल। इस कमेटीज़ टू स्क्रूटनाइज एंड कंट्रोल में 6 कमेटीज़ के बारे में आज अपने को पढ़ना है। पहली है कमेटी ऑन गवर्नमेंट अश्योरेंसेस। लोकसभा में अपनी कमेटी ऑन गवर्नमेंट अश्योरेंसेस है और राज्यसभा में अपनी कमेटी ऑन गवर्नमेंट अश्योरेंसेस है, और लोकसभा की कमेटी ऑन गवर्नमेंट अश्योरेंसेस में 15 मेंबर्स हैं और राज्यसभा की गवर्नमेंट अश्योरेंसेस की कमेटी में 10 मेंबर्स हैं। इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया 1953 में। काम क्या है इसका? देखो, ये जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं, जब मिनिस्टर्स रहते हैं तो ये हाउस में फ्लोर पे बहुत सारे अश्योरेंसेस देते हैं, बहुत सारे प्रोमिसेस करते हैं, बहुत सारे अंडरटेकिंग्स देते हैं। मिनिस्टर्स करते ही हैं कि भाई वो रोड बनवा देंगे, वो हाईवे बनवा देंगे, ये स्कीम चला देंगे, ये काम कर देंगे, फलाना कर देंगे। ये जो प्रोमिसेस, ये जो अश्योरेंसेस किए जा रहे हैं मिनिस्टर्स के द्वारा हाउस के अंदर फ्लोर पे, उसको एग्जामिन करने का काम किसका है? कमेटी ऑन गवर्नमेंट अश्योरेंसेस का। एंड ऑल्सो दे प्रिपेयर रिपोर्ट्स ऑन द एक्सटेंट टू विच दे हैव बीन कैरीड थ्रू। ये जो अश्योरेंसेस, ये जो प्रोमिसेस दिए गए मिनिस्टर्स के द्वारा, इन पर रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं कि कितना काम हुआ है, कहाँ पहुँचे हैं हम इन प्रोमिसेस में, उस पर एक रिपोर्ट प्रिपेयर करना, उनको एग्जामिन करना, किसका काम? कमेटी ऑन गवर्नमेंट अश्योरेंसेस का। दूसरा है कमेटी ऑन सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन। ये भी दोनों हाउसेज में होती है और दोनों ही हाउसेज में इसमें 15-15 मेंबर्स होते हैं। इसको भी कॉन्स्टिट्यूट किया गया 1953 में, मतलब कमेटी ऑन गवर्नमेंट अश्योरेंसेस और कमेटी ऑन सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन, दोनों को ही कॉन्स्टिट्यूट किया गया 1953 में। और सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन के लिए कमेटी है, नाम से ही क्लियर है, सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन अपन ने पहले भी पढ़ा हुआ है। बड़ा सिंपल मतलब है कि पार्लियामेंट किसी भी कानून का ढांचा बना देता है, लेकिन उस कानून में एग्जैक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होंगे, उनको बनाने की पावर दे दी जाती है एग्जीक्यूटिव को। ये जो डेलीगेशन ऑफ पावर है, इसी को एग्जामिन करने का काम है कमेटी ऑन सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन का। इट examines एंड reports टू the हाउस whether the powers टू मेक regulations, रूल्स, सब रूल्स एंड bylaws delegated by the पार्लियामेंट और conferred by the constitution टू the executive आर being properly exercised by it। पार्लियामेंट ने डेलीगेट किया हो या कॉन्स्टिट्यूशन ने डेलीगेट किया हो, किसी भी एग्जीक्यूटिव को कोई रेगुलेशन, कोई रूल, कोई सब रूल, कोई बायलॉ बनाने की पावर, तो ये चेक करना कि वो एग्जीक्यूटिव उसको प्रॉपरली एक्सरसाइज कर रहा है, ये काम किसका है? कमेटी ऑन सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन का। फिर तीसरी कमेटी है कमेटी ऑन पेपर्स लेड ऑन द टेबल। दोनों ही हाउसेज में होती है, लोकसभा में होते हैं इसमें 15 मेंबर्स और राज्यसभा में होते हैं इसमें 10 मेंबर्स। इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया 1975 में। और कमेटी ऑन पेपर्स लेड ऑन द टेबल का सिंपल सा काम है टू एग्जामिन ऑल पेपर्स लेड ऑन द टेबल ऑफ द हाउस बाय मिनिस्टर्स टू सी whether they comply with the provisions of the constitution
और द रिलेटेड एक्ट और रूल, कोई भी पेपर अगर हाउस के सामने किसी भी मिनिस्टर ने रखा है तो ये चेक करना कि उसमें जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के साथ में कंप्लाई करते हैं, या फिर जिस रिलेटेड एक्ट या रूल के बारे में बात कर रहा है उसके प्रोविजन से कंप्लाई करते हैं, ये चेक करने का काम किसका, कमेटी ऑन पेपर्स लेड ऑन द टेबल। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखी जाए कि कमेटी ऑन सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन के जुरिसडिक्शन में जो भी नोटिफिकेशंस आते हैं, जो भी ऑर्डर्स आते हैं, उनको एग्जामिन नहीं कर सकती है कमेटी ऑन पेपर्स लेड ऑन द टेबल। चौथी, कमेटी ऑन वेलफेयर ऑफ एससीज एंड एसटीज, 30 मेंबर्स होते हैं, एक ही होती है, ये दोनों हाउसेज में अलग अलग नहीं होती है, 30 मेंबर्स की एक ही कमेटी होती है, कमेटी ऑन वेलफेयर ऑफ एससीज एंड एसटीज। 20 मेंबर्स आते हैं इसमें लोकसभा से और 10 मेंबर्स आते हैं राज्यसभा से। नाम से ही क्लियर है, टू कंसिडर द रिपोर्ट्स ऑफ द नेशनल कमीशन ऑफ द एससीज एंड नेशनल कमीशन फॉर द एसटीज। ये दोनों कमीशंस के बारे में अपन पढ़ेंगे, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, इन दोनों के कामकाज को देखने के लिए, इनके वेलफेयर के लिए काम करने के लिए नेशनल कमीशंस फॉर एससीज एंड नेशनल कमीशन फॉर एसटीज है। तो ये जो भी रिपोर्ट्स बनाते हैं उनको कंसिडर करने का काम किसका, कमेटी ऑन वेलफेयर ऑफ एससीज एंड एसटीज। दूसरा, सभी मैटर्स, टू एग्जामिन ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू द वेलफेयर ऑफ द एससीज एंड एसटीज, लाइक इंप्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टेट्यूटरी सेफगार्ड्स, वर्किंग ऑफ वेलफेयर प्रोग्राम्स, कोई प्रोग्राम चलाया, कोई स्कीम चलाई, कॉन्स्टिट्यूशन में जो सेफगार्ड्स दिए हुए हैं उनको देखना कि वो ठीक से ऑपरेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, उनको ठीक से इंप्लीमेंट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, ये सारा काम किसका, कमेटी ऑन वेलफेयर ऑफ एससीज एंड एसटीज का। फिर इसके अलावा कमेटी ऑन एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन, ये भी एक ही होती है, इसमें 30 मेंबर्स होते हैं, 20 मेंबर्स आते हैं लोकसभा से और 10 मेंबर्स आते हैं राज्यसभा से। इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया 1997 में और नाम से ही क्लियर है, इसका काम है टू कंसिडर द रिपोर्ट्स ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वीमेन, नेशनल कमीशन फॉर वीमेन की रिपोर्ट्स को कंसिडर करना एंड एग्जामिन द मेजर्स टेकन बाय द यूनियन गवर्नमेंट टू सिक्योर स्टेटस, डिग्निटी एंड इक्वालिटी फॉर वीमेन इन ऑल फील्ड्स। औरतों के वेलफेयर के लिए, उनकी डिग्निटी, उनकी इक्वलिटी को एंश्योर करने के लिए यूनियन गवर्नमेंट जो भी स्कीम्स चला रही है, जो भी कामकाज कर रही है, उनको एग्जामिन करना, उनको चेक करना कि उनको ठीक से इंप्लीमेंट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, ये काम किसका, कमेटी ऑन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। और लास्ट, कमेटी टू स्क्रूटनाइज एंड कंट्रोल है, ज्वाइंट कमेटी ऑन ऑफिसर्स ऑफ प्रॉफिट, ये भी एक ही होती है दोनों हाउसेज की, 15 मेंबर्स होते हैं जिसमें से 10 आते हैं लोकसभा से और 5 आते हैं राज्यसभा से, और नाम से ही क्लियर है, ऑफिसर्स ऑफ प्रॉफिट के लिए ज्वाइंट कमेटी है। बेसिकली ये चेक करना कि किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कोई ऑफिस अगर होल्ड किया हुआ है तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है या नहीं है, और अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है तो उसको डिस्क्वालीफाई किया जाना चाहिए नहीं किया जाना चाहिए, ये रिकमेंड करने का काम किसका, ज्वाइंट कमेटी ऑन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट्स के द्वारा जो भी कमेटीज बनाई जा रही हैं, जो भी अदर बॉडीज बनाई जा रही हैं, उनके कंपोजिशन को, उनके कैरेक्टर को एग्जामिन करना, ये भी काम किसका है, ज्वाइंट कमेटी ऑन ऑफिसर्स ऑफ प्रॉफिट, टू एग्जामिन द कंपोजिशन एंड कैरेक्टर ऑफ द कमेटीज एंड अदर बॉडीज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट्स एंड रिकमेंड्स वेदर पर्सन होल्डिंग दीज ऑफिसेज शुड बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम बींग इलेक्टेड एज द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और नॉट। और ये 6 कमेटीज़ हुई, कमेटीज़ टू स्क्रूटनाइज एंड कंट्रोल। इसके बाद बात आती है कमेटीज़ रिलेटिंग टू डे टू डे बिजनेस ऑफ द हाउस, जो डे टू डे बेसिस पे कामकाज हो रहा है हाउसेज में उससे रिलेटेड कमेटीज़। एक है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, ये इंपॉर्टेंट कमेटी है, 15 मेंबर्स होते हैं इसमें लोकसभा में, और इसके स्पीकर जो हैं वो चेयरमैन होते हैं, मतलब जो भी स्पीकर होगा लोकसभा का वो लोकसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का चेयरमैन होगा। और राज्यसभा में जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है उसमें 11 मेंबर्स होते हैं, और चेयरमैन जो होते हैं वही चेयरमैन होते हैं बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के, मतलब जो राज्यसभा के चेयरमैन है वही एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के, राज्यसभा वाली के। 15 मेंबर्स लोकसभा में, स्पीकर चेयरमैन होते हैं, और 11 मेंबर्स राज्यसभा में, चेयरमैन जो कि राज्यसभा के चेयरमैन है वो चेयरमैन होते हैं बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के। इसका काम क्या है, इट रेगुलेट्स प्रोग्राम एंड टाइम टेबल ऑफ द हाउस, कि कामकाज कैसे होगा हाउस में, उसका टाइम टेबल क्या होगा, उसका क्या प्रोग्राम होगा, किस टाइम पे बैठेगा, किस टाइम पे हट रहा है, उस पूरे दिन में कैसे कैसे ऑपरेट करना है, फंक्शन करना है, ये टाइम टेबल प्रिपेयर करने का काम किसका, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का। इट अलॉट्स टाइम फॉर द ट्रांजेक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव एंड अदर बिजनेसेस ब्रॉट बिफोर द हाउस बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट जो भी लेकर आती है कि हमें ये काम करना है, ये बिल पास कराने, इन चीज़ों पर डिस्कशन करना है, ये भैया हमारा आज पॉलिसी मैटर है, इन सब चीज़ों के लिए टाइम अलॉट करना, एक टाइम टेबल सेट करना, वो सब किसका काम है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का। बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, पूरा दिन हाउस का मैनेज करना, उसमें क्या कामकाज होंगे उनको मैनेज करना, उस पर एक टाइम टेबल प्रिपेयर करना, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का काम है। दूसरा, कमेटी ऑन प्राइवेट मेंबर बिल्स एंड रेजोल्यूशंस, ये सिर्फ लोकसभा में होती है, और लोकसभा में इसमें होते हैं 15 मेंबर्स, और जो भी डेप्यूटी स्पीकर होते हैं लोकसभा के वो इसके चेयरमैन होते हैं,
और नाम से ही क्लियर है, प्राइवेट मेंबर बिल्स और रेजोल्यूशंस के लिए कमेटी है। ये कमेटी पहले तो ये क्लासिफाई करती है कि प्राइवेट मेंबर का बिल किस कैटेगरी में है, फिर उस बिल को कब डिस्कशन के लिए लिया जाएगा उसके लिए टाइम अलॉट करती है। बेसिकली इट क्लासिफाइज बिल्स एंड अलॉट्स टाइम फॉर डिस्कशन ऑन बिल्स एंड रेजोल्यूशंस इंट्रोड्यूस्ड बाय प्राइवेट मेंबर। और प्राइवेट मेंबर कौन होता है? ऐसा कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो कि मिनिस्टर नहीं है। अच्छा, राज्यसभा में ये जो काम है इट इज़ परफॉर्म्ड बाय द बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ऑफ दैट हाउस। मतलब राज्यसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, ये वाला काम जो कमेटी ऑन प्राइवेट मेंबर बिल्स एंड रेजोल्यूशन लोकसभा में कर रही है उसको परफॉर्म करती है। मतलब राज्यसभा के लिए अलग से प्राइवेट मेंबर बिल्स एंड रेजोल्यूशन के लिए कमेटी नहीं है, वो सारा काम कौन हैंडल कर लेता है? बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। इसके अलावा तीसरी कमेटी है इसमें, रूल्स कमेटी, इंपॉर्टेंट कमेटी है। लोकसभा में इसमें होते हैं 15 मेंबर्स और स्पीकर जो है ये इसके चेयरमैन होते हैं, और राज्यसभा में इसमें होते हैं 16 मेंबर्स और जो भी राज्यसभा के चेयरमैन है मतलब वाइस प्रेसिडेंट है वही इसके चेयरमैन की तरह से एक्ट करते हैं। और रूल्स कमेटी है, इसका काम है टू कंसिडर द मैटर्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन द हाउस एंड रिकमेंड्स नेसेसरी अमेंडमेंट्स और एडिशंस टू द रूल्स ऑफ द हाउस। हाउस के रूल्स में अगर कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है, कुछ ऐड करने की, कुछ अमेंड करने की, कुछ चेंज करने की ज़रूरत है, वो सारा कामकाज कौन करती है? रूल्स कमेटी करती है। रूल्स कमेटी ने एक कमेटी अपन पढ़ के आए हैं इसी चैप्टर में, उसके फॉर्मेशन की रिकमेंडेशन दी थी, वो कौन सी कमेटी है उसके बारे में प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। फिर चौथी है कमेटी ऑन एब्सेंस ऑफ मेंबर्स, ये सिर्फ लोकसभा में है और 15 मेंबर्स होते हैं। ये अपने को पता ही है कि अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से कोई छुट्टी चाहिए, लीव चाहिए, तो किससे परमिशन लेनी पड़ेगी? उन एप्लीकेशंस को कंसिडर करने का काम किसका? कमेटी ऑन एब्सेंस ऑफ मेंबर्स। अगर कोई मेंबर बिना परमिशन के 60 दिन से ज़्यादा तक एब्सेंट है तो उन केसेस में उसको एग्जामिन करना कि क्यों एब्सेंट है और रिकमेंड करना कि एब्सेंट है तो डिस्क्वालिफिकेशन का सिनेरियो होता है, वो सारा काम किसका है? कमेटी ऑन एब्सेंस ऑफ मेंबर्स का। इट कंसिडर्स ऑल एप्लीकेशंस फ्रॉम मेंबर्स फॉर लीव ऑफ एब्सेंस फ्रॉम द सिटिंग्स ऑफ द हाउस एंड एग्जामिन्स द केसेस ऑफ मेंबर्स हु हैव बीन एब्सेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 60 डेज और मोर विदाउट परमिशन। और ये चार कमेटीज़ हैं, कमेटीज रिलेटिंग टू द डे टू डे बिजनेस ऑफ द हाउस। इसके बाद बात आती है हाउसकीपिंग कमेटीज़। हाउसकीपिंग कमेटीज़ भी चार हैं। पहली है जनरल पर्पसेस कमेटी, और बड़ा सिंपल सा काम है इसका कि अदर पार्लियामेंट्री कमेटीज़ जो भी अपन ने इतनी सारी पढ़ी, इन अदर पार्लियामेंट्री कमेटीज़ के जुरिस्डिक्शन से जो भी मैटर बच गया उस बचे हुए मैटर को कंसीडर करने का, उस पर एडवाइस देने का काम किसका? जनरल पर्पसेस कमेटी का। इट कंसीडर्स एंड एडवाइजेस ऑन मैटर्स कंसर्निंग अफेयर्स ऑफ द हाउस विच डू नॉट फॉल विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ एनी अदर पार्लियामेंट्री कमेटी। और दोनों ही हाउसेज में अपनी अपनी जनरल पर्पसेस कमेटी होती है, और दोनों ही हाउसेज में खूब भर भर के मेंबर्स हैं इसमें। जैसे लोकसभा में जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं मतलब स्पीकर, वो लोकसभा की जनरल पर्पसेस कमेटी के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन हैं। स्पीकर के अलावा डेप्यूटी स्पीकर इसका हिस्सा होते हैं। फिर अपन ने लोकसभा में पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स पढ़ा है, उसके मेंबर्स भी इसका हिस्सा होते हैं। फिर लोकसभा में जितनी भी DRSCs हैं, डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज़, उसके चेयरपर्सन भी इसका हिस्सा होते हैं। फिर लोकसभा में जितनी भी रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज़ हैं, जितने भी रिकॉग्नाइज्ड ग्रुप्स हैं, उसके जितने भी लीडर्स हैं वो भी इसका हिस्सा होते हैं। और इसके अलावा एनी सच अदर मेंबर एज नॉमिनेटेड बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। और अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने किसी मेंबर को नॉमिनेट किया है तो वो भी जनरल पर्पसेस कमेटी का हिस्सा होता है। सेम राज्यसभा का सिनेरियो है कि राज्यसभा में चेयरमैन कौन होंगे? जो राज्यसभा के चेयरमैन है मतलब वाइस प्रेसिडेंट, राज्यसभा की जनरल पर्पसेस कमेटी के चेयरमैन की तरह से एक्ट करेंगे, और बाकी सारे फिर डेप्यूटी चेयरमैन और पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन, वो सब सेम होगा। इसके अलावा दूसरी है हाउस कमेटी। हाउस कमेटी लोकसभा में जो होती है उसमें 12 मेंबर्स होते हैं, और इसका काम है टू डील विद द रेजिडेंशियल अकोमोडेशन ऑफ मेंबर्स एंड अदर एमिनिटीज लाइक फूड, मेडिकल एड एक्सेट्रा अकॉर्डिंग टू देम इन देयर हाउसेज एंड हॉस्टल्स इन दिल्ली। जो भी मेंबर्स हैं उनको अकोमोडेशन दिया जाता है, उनको कुछ फैसिलिटीज दी जाती हैं जैसे खाने की, मेडिकल एड वगैरह, वो सारी, इन सब मैटर्स से डील करने का काम किसका? हाउस कमेटी का है। अपने दोनों हाउसेज में, लोकसभा राज्यसभा दोनों में ही अपनी अलग अलग हाउस कमेटी होती है। फिर तीसरी कमेटी है इसमें लाइब्रेरी कमेटी, और एक ही होती है, 9 मेंबर्स होते हैं इसमें, 6 होते हैं लोकसभा से और 3 होते हैं राज्यसभा से। इट कंसीडर्स ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू द लाइब्रेरी ऑफ द पार्लियामेंट एंड असिस्ट द मेंबर्स इन यूटिलाइजिंग द लाइब्रेरी सर्विसेज। लाइब्रेरी है पार्लियामेंट में, उससे रिलेटेड जो भी सर्विसेज हैं उन सबसे डील करने का काम किसका? लाइब्रेरी कमेटी का। और फाइनली जॉइंट कमेटी ऑन सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ मेंबर्स, ये भी एक ही है दोनों हाउसेज के लिए, 15 मेंबर्स होते हैं इसमें, 10 आते हैं लोकसभा से और 5 आते हैं राज्यसभा से।
इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द सैलरी अलाउंसेज एंड पेंशंस ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एक्ट 1954. इस एक्ट के बारे में अपन ने पहले भी पढ़ा हुआ है. इस एक्ट के तहत इस कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया और इसका काम है टू फ्रेम रूल्स फॉर रेगुलेटिंग पेमेंट ऑफ सैलरी अलाउंसेज एंड पेंशन टू द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट. मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जो सैलरी अलाउंसेज और पेंशन जाती है उसका पेमेंट कैसे होगा, किस तारीख को होगा, कैसे दिया जाएगा, वो सबसे रूल्स बनाने का काम किसका, ज्वाइंट कमेटी ऑन सैलरी एंड अलाउंसेज ऑफ मेंबर्स. और ये बात हो गई हाउस कीपिंग कमेटीज, या ये कह दें कि यहाँ खत्म हो गया पार्लियामेंट्री कमेटीज. इसके अलावा एक चीज़ और है, कंसल्टेटिव कमेटीज. सबसे पहली चीज़ तो ये ध्यान में रखनी है कि ये पार्लियामेंट्री कमेटीज नहीं है. क्यों नहीं है, जैसे जैसे अपन आगे पढ़ेंगे अपने को समझ में आ जाएगा. कंसल्टेटिव कमेटीज इनको कॉन्स्टिट्यूट कौन करता है, दे आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स. कौन कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स. और पहला डिफरेंस, पार्लियामेंट्री कमेटीज आर ईदर अपॉइंटेड और इलेक्टेड बाय द हाउस. या तो हाउस इनको अपॉइंट करता है, इलेक्ट करता है, या फिर दे आर नॉमिनेटेड बाय द स्पीकर और द चेयरमैन. जिस भी हाउस की कमेटी है उसके हिसाब से या तो इनको नॉमिनेट किया जाता है स्पीकर या फिर चेयरमैन के द्वारा, या फिर दे आर अपॉइंटेड और इलेक्टेड बाय द हाउस. लेकिन ये जो कंसल्टेटिव कमेटीज हैं इनको कॉन्स्टिट्यूट कौन कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स. यूजुअली होता ये है कि जब नई लोकसभा चुन के आती है तो इन कंसल्टेटिव कमेटीज़ को कॉन्स्टिट्यूट कर दिया जाता है, और जब तक लोकसभा एग्जिस्टेंस में रहती है तब तक कंसल्टेटिव कमेटीज़ एग्जिस्टेंस में रहती हैं. जब लोकसभा डिसॉल्व होगी तब ये भी डिसॉल्व हो जाएंगी. लेकिन पार्लियामेंट्री कमेटीज़ उनका टेन्योर होता है यूजुअली एक साल का होता है. ऐसा नहीं है कि जब तक लोकसभा है तब तक कोई इलेक्शन होगा ही नहीं, पार्लियामेंट्री कमेटीज़ बनी रहेंगी. एक साल का टेन्योर है, उसके बाद दोबारा से इनको इलेक्ट किया जा रहा है, ये अपन ने देखा हुआ है. कंपोजिशन की अगर बात करें तो कंसल्टेटिव कमेटीज़ का कंपोजिशन क्या होगा, फंक्शन क्या होगा, प्रोसीजर क्या होगा, कामकाज करने का तौर तरीका क्या होगा, वो सब कुछ कौन डिसाइड कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स. पार्लियामेंट्री कमेटीज़ के केस में कंपोजिशन डिसाइड किया जाता है रूल्स ऑफ हाउस के अकॉर्डिंग. यूजुअली अपन ने देखा हुआ है किसी में 22 मेंबर्स हैं, किसी में 30 मेंबर्स हैं, वो मेंबर्स जो हैं वो रूल्स ऑफ द हाउस के हिसाब से चलते हैं. और दूसरा, ये जो पार्लियामेंट्री कमेटीज़ हैं ये स्पीकर या फिर चेयरमैन, जिस भी हाउस की कमेटी है उसके हिसाब से स्पीकर या फिर चेयरमैन के डायरेक्शन पे उसकी निगरानी में काम करती हैं. लेकिन ये जो कंसल्टेटिव कमेटीज़ हैं ये किसकी निगरानी में काम कर रही हैं, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स. अच्छा, कंसल्टेटिव कमेटीज़ में दोनों हाउसेज के मेंबर्स होते हैं, बट इनकी जो मेंबरशिप है वो वॉलेंटरी है, मतलब स्वेच्छा है. मेंबर की अगर इच्छा है तो किसी कंसल्टेटिव कमेटी को ज्वाइन कर सकता है, अगर इच्छा नहीं है तो ज्वाइन नहीं भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है. ये जो कंसल्टेटिव कमेटीज़ हैं इनमें मैक्सिमम मेंबरशिप होती है 30 और मिनिमम मेंबरशिप होती है 10. डिफरेंस समझ में आ रहा होगा. इसके अलावा फंक्शन क्या है, एक तरीके से ये जो कंसल्टेटिव कमेटीज़ हैं दे प्रोवाइड अ फोरम फॉर इनफॉर्मल डिस्कशन बिटवीन द मिनिस्टर्स एंड द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट्स ऑन पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स. कोई पॉलिसी है, कोई प्रोग्राम है, उस पॉलिसी पे, उस प्रोग्राम पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मिनिस्टर्स के बीच में एक तरीके से इनफॉर्मल डिस्कशन के लिए एक फोरम प्रोवाइड कर रही है कंसल्टेटिव कमेटी, कि भाई इनफॉर्मल तरीके से बातचीत, कोई जानकारी लेनी है, कुछ एडवाइस देनी है, उसके लिए एक इनफॉर्मल डिस्कशन के लिए एक स्टेज प्रोवाइड कर रही है कंसल्टेटिव कमेटीज. दीज कमेटीज आर अटैच्ड टू वेरियस मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. अटैच्ड होती हैं किसी मिनिस्ट्री से या किसी डिपार्टमेंट से, और जिस मिनिस्ट्री से वो अटैच होती हैं उस मिनिस्ट्री का जो भी मिनिस्टर है या मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज है वही उस कंसल्टेटिव कमेटी के चेयरमैन की तरीके से एक्ट करता है. और ये अपन ने देख लिया कि कंसल्टेटिव कमेटीज आर नॉट पार्लियामेंट्री कमेटीज. और ये बात खत्म हो गई पार्लियामेंट्री कमेटीज की, और ये अपने को पता ही है कि कंसल्टेटिव कमेटीज पार्लियामेंट्री कमेटीज नहीं है. इसके साथ ये चैप्टर खत्म हो गया. कोई डाउट हो प्लीज कॉमेंट. थैंक यू वेरी मच.